हमने कई बार DVR के अंदर बीप साउंड सुना है। बीप साउंड क्या होता है? बीप साउंड एक्चुअली में क्यों आता है? आपकी जब हार्ड डिस्क एरर आती है या आपका नेटवर्क वहाँ पे सही नहीं होता है, कुछ भी उसका रीज़न हो सकता है, उसकी वजह से बीप साउंड वहाँ पे अलर्ट करने लगता है। तो हमें उस बीप साउंड को किस तरह से बंद करना है, मैं इस वीडियो के थ्रू आपको बताने वाला हूँ। सिंपल इसका प्रोसेस है बंद करने का। DVR की स्क्रीन के ऊपर आते ही हमें राइट क्लिक करना है, मेन मेनू का पेज ओपन कर देना है। जैसे हम लोग मेन मेन्यू के पेज को ओपन करेंगे, हमारे DVR का वहाँ पे जो पासवर्ड दिया है हमें DVR का ओपन कर देना है। यहाँ से लाइव व्यू दिख रहा है आपको, प्लेबैक है, यहाँ पे है सर्च ऑप्शन, यहाँ पे है कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हमें यहाँ पे सिस्टम को मैं यहाँ से क्लोज कर लेता हूँ। नीचे आपको नेटवर्क दिख रहा है, यहाँ पे आपको कैमरा दिख रहा है, यहाँ पे इवेंट है, इवेंट के ऑप्शन में चले जाना है। इवेंट के ऑप्शन में मोशन डिटेक्शन है, वीडियो टेम्परिंग है, वीडियो लॉस है, अलार्म इनपुट है, अलार्म आउटपुट है, एक्सेप्शन है। जो ऊपर की तरफ में यहाँ पे इवेंट हिट आपको दिख रहा है, ये चालू है, इसकी वजह से वहाँ पे जो है हार्ड डिस्क एरर या कुछ भी उसका जो है रीज़न हो सकता है, उसकी वजह से वहाँ पे आपको बीप साउंड सुनाई दे रहा है। तो इसको यहाँ से डिसेबल कर लेते हैं, तो यहाँ से अप्लाई कर देते हैं। जैसे हम लोग अप्लाई करेंगे, वहाँ पे आपके DVR का साउंड बंद हो जाएगा, या आपको यहाँ पे जो है किसकी वजह से साउंड जो है DVR आपका दे रहा था, तो यहाँ से जो है अलार्म में चले जाते हैं। तो अलार्म में चले जाने के बाद में आपको ऊपर की तरफ में मैसेज दिख जाएगा कि आपकी जो है हार्ड डिस्क अलर्ट के ऊपर आ रहा था, या मोशन डिटेक्शन के ऊपर आ रहा था, या आपका जो है नेटवर्क के ऊपर आ रहा था, किसी वजह से DVR के अंदर जो साउंड आ रहा था उसका जो है रीजन यहाँ पे अलार्म एक्सेप्शन में दिख जाएगा। तो यहाँ पे जो है मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने पर मेरे ऐसे ही वीडियोज आपको मिलते रहेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।